लेकिन इस दफा इंशाल्लाह बेहतरीन अपडेट आप लोगों को दूंगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर मछलियों में अंडे वगैरह आ चुके हैं और इसका एस्टिमेट भी एक लगा लेंगे कि भाई आया कितने हमारे पास बच्चे होंगे या कितने अंडे या क्या हमारा एस्टिमेट इसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिंच वगैरह दिखा देता हूँ और जो है ये माशाल्लाह से सारे बेहतरीन एक्टिव हैं। अभी दिखा दो आप लोगों को फिंच है माशाल्लाह से, ये देखो फिंच, और माशाल्लाह इसमें अक्सर ब्लैक फेस और जो है ब्लैक ब्रेस्ट है ज़्यादातर, और ये माशाल्लाह से बेहतरीन पेयर है ये देखें, और मेरा फेवरेट भी है ये वाला माशाल्लाह से। ये देखिए ऊपर ब्लैक ब्रेस्ट बैठा हुआ है, साथ में फिर ब्लैक ब्रेस्ट है, ठीक है, ये एक ज़ेब्रा है, फिर जो है ब्लैक ब्रेस्ट है, और जो है और फीमेल भी अक्सर ब्लैक ब्रेस्ट की फीमेल, ठीक है। और ये हमारा जो है एक इज़ाबेल का ऑरेंज है, ठीक है, ऑफ ऑरेंज में आते हैं। और मज़े की बात ये है कि कुछ बच्चे भी आ चुके हैं माशाल्लाह से और कुछ बिल्कुल सेल्फ हो गए हैं, उनको हम अलहदा करके वहाँ पर स्नो वाइट की जो कॉलोनी है वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसका एस्टिमेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह इस मटकी में जो है अंडे पड़े हुए और 5 अंडे हैं माशाल्लाह से, ये फोकस करता हूँ ये यहाँ पर 5 अंडे, ठीक है। इस मटकी से बच्चे निकल चुके हैं, 3 बच्चे हैं, एक ये एक नीचे हैं और एक और ऑरेंज का एक बच्चे यहीं पर नीचे ही होगा, ठीक है। माशाल्लाह से ये सेकंड मटकी, इसमें बच्चे हैं, फोकस करते हैं, ये ज़रा देखें, ये माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेबीज इसमें है माशाल्लाह से, ठीक है। इसमें अगर अंदाजन कोई 3 बेबी भी होंगे तो 4 अंडे वो हो गए, 5-6-7 ये हो गए 7 अंदाजन इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है अंडे हैं ये, ठीक है, यहाँ पर अंडे हैं, ठीक है, और 3 अंडे हैं मतलब 4 का क्लच आएगा, 7 ये हो गए, 8-9-10-11, ठीक है, अगर बेबीज निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी अंडे और 4 का क्लच पूरा हो गया इंशाल्लाह, और 11 और 4 ये हो गया 15, ठीक है। यहाँ पर नेस्टिंग है, इसमें भी नेस्टिंग है, इसमें माशाल्लाह से फिर से जो है अंडे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 4 अंडे हैं, ठीक है, और 15 और ये 4 19 हो गए, और इसमें बच्चे हैं फिर माशाल्लाह, इसमें कोई अगर 4 बेबी भी हो गए, 4 बेबी हैं इसमें, लेकिन हम 3 इसको शुमार करते हैं, ये हो गए 23, ठीक है, ये अगेन खाली है, ठीक है, और इसमें फिर बच्चे, इसमें भी 3 ही शुमार करते हैं, 3 ये हो गए, और जो है ये अगेन इसमें खाली है, और ये यहाँ पर जो बच्चे थे वो निकल चुके और दोबारा से माशाल्लाह अंडे, ठीक है, 4 के गलची पर। एस्टिमेट ये है कि कोई 32-33 हमारे पास बच्चे आ जाएंगे इस 20 पेयर ऑफ जो कॉलोनी है उसके रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, कोई 33 बच्चे आप एस्टिमेट अंदाजन लगा दें, ठीक है। ये बेबी है, इसको हम अलहदा करेंगे, ये बैठा हुआ है, ठीक है, और जो है इसके साथ मींस के कोई अभी फ़िलहाल के लिए 4 बेबी जो है बिल्कुल जो सेल्फ हो चुके हैं, ठीक है, बाहर निकले हैं जो, और 3 जो हैं वो भी बाहर निकले लेकिन वो सेल्फ नहीं हुए, तो 7 जो इन मटकियों में से हैं वो अलहदा हैं, ठीक है, 7 बेबीज, 7 वो हो गए और कोई 33 ये हो गए, ये हो गए टोटल 40, इनमें से एक ये ब्लैक फेस का एक बेबी निकले, ये देखिए इसको भी अलहदा करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 और माशाल्लाह से बड़े प्यारे कलर में, और इन सब का एस्टिमेट लगा लेंगे कि भाई दाना पानी का कितना खर्चा है और जो है हमारे पास जो ये बेबीज़ है इनकी क्या कीमत होगी या क्या फ़ायदा है हमारे लिए, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार तो फ़ायदा ही है, क्योंकि 40 आप लगा लें, ये हो गए 20 पेयर, मतलब 20 पेयर में से 20 पेयर हमें मिल गए,
और जो है अगर मीन 10,000 रुपये का तो कम अज़ कम ये 20 पेयर तो होगा, अगर 500 रुपये के हिसाब से भी आप लगा लें, 5 × 2 = 10 तकरीबन, और 10,000 में से आप 2,000 इनके काट लें, 8,000 मतलब बैठे बैठे और शौक भी हो रहे हैं, और 8,000 रुपये जो है मज़े से सिंपल ज़ेब्रा फिंच की कीमत पर हम इसे बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें ब्लैक फिश भी आ जाएंगे, कुछ और म्यूटेशन भी, उनकी कीमत आई है क्या पता, ये 10,000 से 15,000 भी हो सकते हैं, 16,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के भी फिंच है जो एक फिंच जो है आपका 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक, ठीक है, अगर ज़्यादा ब्लैक निकला अच्छे कलर में था तो वो है वो उसकी कीमत कोई 5,000 में भी चला जा सकता है, ठीक, वो डिपेंड करता है, लेकिन माशाल्लाह अच्छे प्यारे क्वालिटी। ये बेबी अगर देख ले बड़ा प्यारा, ये देखें तो इस तरह कोई अच्छी अच्छी अगर म्यूटेशन कुछ निकल गई, ये हमारे ब्लैक फेस अक्सर, ठीक है, ब्लैक फेस की कोई अच्छी सी प्यारी सी कोई म्यूटेशन नहीं निकल गई तो हमारे लिए फ़ायदा ही होगा, लेकिन हमने सिंपल ज़ेब्रा फिंच के हिसाब से शुमार किए हैं, और आगे थोड़ी सर्दी आ रही है शायद कीमत ऊपर भी हो जाए, ठीक है। और ये हमारा स्नो वाइट का सेटअप है माशाल्लाह से, दो में माशाल्लाह दो मटकियों में बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक में 2 बच्चे हैं, दूसरे में 4 हैं, और इसमें अंडे दिए तीसरे में, ठीक है, तीसरे मटकी में ये देखिए फिंच ने अंडे दिए, बैठी हुई है फीमेल अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी भी अपडेट आप लोगों को देंगे, ठीक है, सिर्फ बच्चे इसके बाहर निकल आए तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट देंगे। चले अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक नज़र दोबारा से ये हमारे फिंच के ऊपर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, और ये हमारा वही ब्लैक फेस का बेबी है, और साथ में वो ब्लैक फेस अलहदा बैठा हुआ है, और ये ऑरेंज, और वो कोने में लास्ट में एक और ब्लैक फेस है माशाल्लाह से बड़ा प्यारे कलर में, इस तरह के अगर कलर निकल गए तो इनकी कीमत ज़्यादा होगी। ये देखो वो कोने में माशाल्लाह से बैठा हुआ है, बड़ा बेहतरीन निकल, और इस तरह के अगर बेबीज़ भी निकल गए जिनका भी ब्लैक फेस का बड़ा अच्छा खासा कोई कीमत आई है, ठीक है, मीन्स कि अगर वो 500 का पेयर है तो ये अगर कम से कम कोई 1500 का तो मज़े से चल जाएगा, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रहेगा, अस्सलाम वालेकुम।